रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। अभी टला नहीं आंधी तूफान का खतरा, हाई अलर्ट पर उत्तर भारत, जाने कहां होने वाली है तबाही। 8 मई 2018 के लिए मौसम विभाग की चेतावनी, दिल्ली NCR के इलाके में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका है। ये तेज हवाएं उत्तर भारत से बढ़ती हुई उत्तर पूर्वी भारत की ओर बढ़ रही हैं। इस भविष्यवाणी के मद्देनजर दिल्ली NCR के इलाके में कई स्कूल बंद कर दिए गए। दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से लोगों को सलाह देते हुए एडवाइजरी जारी कर दी कि बहुत जरूरी काम नहीं हो तो लोग घर से बाहर न निकलें। दिल्ली मेट्रो की तरफ से कहा गया कि अगर हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर होगी तभी मेट्रो सेवा बाधित रह सकती है। उत्तर भारत में 4 दिन पहले लगभग 125 लोगों की जान लेने वाला आंधी तूफान सोमवार रात फिर लौट आया। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से राजस्थान और हरियाणा की तरफ से आया तूफान आधी रात तक रात को दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली में तेज हवा के चलते बिजली का तार गिरने से 3 एम्बुलेंस जलकर राख हो गई और 2 लोग जिंदा जल गए। हादसा शेखसराय में सिंघानिया हॉस्पिटल के सामने हुआ। हालांकि एम्बुलेंस में आग कैसे लगी इस बारे में स्पष्ट रूप से नहीं पता चल पाया है। राजधानी में तेज हमारे रुक रुक कर चली दिल्ली में बारिश तो नहीं हुई, लेकिन मंगलवार को इसकी संभावना है। प्रशासन की तरफ से पूरे भारत में हाई अलर्ट जारी किया जा चुका है। ऑरेंज जोन क्या है? KJ रमेश के मुताबिक ऑरेंज जोन का मतलब होता है हवाएं 35 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। ऐसी स्थिति में कच्चे मकान में रहने वालों के लिए सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ऐसे मकान हवा चलने पर ढह सकते हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आंधी तूफान का खतरा है, इसलिए बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में भी संभावित आंधी से होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए 8 मई को स्कूल बंद रहेंगे। हरियाणा में पहले से ही मंगलवार तक स्कूल बंद किए जा चुके हैं। हालांकि सरकार बंद करने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन पटियाला के स्कूलों ने मंगलवार तक स्कूल बंद रखने की घोषणा की है। सोमवार को दोपहर में सबसे पहले राजस्थान के गंगानगर में मौसम में पलटी खाया और अंधड़ के बाद बारिश शुरू हो गई। वहीं शाम 5:30 पर सीमावर्ती इलाके खाजूवाला से रेत का बवंडर उठा और लूणकरणसर और महाजन होते हुए बीकानेर शहर तक पहुंच गया। वहां आंधी के साथ बारिश में कई गांव में बिजली के खंभे गिर गए। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में शाम को धूल भरी आंधी चलने लगी थी। आधी रात तक तो दिल्ली और NCR में भी मौसम का मिजाज बदल गया। यहां तेज आंधी के साथ बारिश भी होने लगी। इसके अलावा उत्तरी और पूर्वी भारत के बड़े देशों के साथ दक्षिणी भारत के दूर दराज इलाकों में मंगलवार को आंधी तूफान, भारी बारिश और ओले पड़ने का अनुमान है। कहां कहां हाई अलर्ट। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कर्नाटक और केरल आंधी तूफान से प्रभावित हो सकते हैं।